ये है थाने स्टेशन का ऊपर का माला, जहाँ पर इतना सुंदर है। हम यहाँ पर बसेस जाते हैं, यहाँ से हर जगह जाते हैं, थाना के हर जगह बसेस है यहाँ से। और इधर से हम लोग नीचे जाएंगे अभी रिक्शा पकड़ने के लिए। एंट्रेंस में गणपति बाप्पा बात कर। ये है सिद्धि विनायक का लाइन क्यू, हम लोग लाइन में अभी। इट्स अ लॉन्ग क्यू, आज संडे का दिन है लेकिन बड़ा क्यू है। बहुत 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 पब्लिक आई है दर्शन के लिए। गणपति बाप्पा मोरया, ये है गणपति का जो पूजा अभी अंदर हो रहा है। हम लोग लाइन में हैं बट वहाँ पे LED लगाया हुआ है, उसमें हम लोग को दिख रहा है। सो वी आर ऑन द क्यू, इन द क्यू, बट वी कैन ऑल्सो सी गणेश भगवान, देख सकते हैं हम लोग साथ में। तो क्यू देखो, हम लोग अभी ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए। एक जो क्यू थी उसका बहुत ही लंबी लाइन है। अगर दर्शन को आना है तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन, संतुष्ट दिन अगर आओगे तो आपको बहुत ही लाइन मिलेगा। तो उसके लिए इंस्टाग्राम, और अगर जल्दी लगे तो यहाँ पे और भी लाइन है जो 1500 रुपये दे के चार जन को अंदर लेते हैं डायरेक्ट VIP। तो गले में कार्ड वार्ड देंगे पहनने के लिए, ID कार्ड, और फिर डायरेक्ट दर्शन देंगे। डायरेक्ट 1500 रुपीज़ है, और ये लाइन जो है 100 रुपीज़ रहेगा। तो आधे घंटा पहला लाइन आता है, और वो जो मेन लाइन है उधर उधर ज़्यादा टाइम लगता है। गाइस हम लोग अभी सिद्धि विनायक मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। हम लोग का लाइन अभी कम से कम आधा पड़ा, जस्ट एंटर करेंगे सिद्धि विनायक मंदिर, और वहाँ से फिर थोड़ा लाइन है और तो वो होने के बाद फिर अंदर दर्शन में नहीं होगा। अभी इधर भी लाइन है, हाँ देख लो भाई, बिल्कुल लाइन इधर भी होगा। अराउंड 40-45 मिनट्स तक लाइन में गए। अभी उधर से आगे जा रहे तो इधर भी आगे लाइन है, आधा घंटा पकड़ के चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ये 100 रुपीज़ वाला लाइन है। अगर नॉर्मल लाइन लगोगे तो और ज़्यादा जाता है, क्योंकि आज संडे है तो बहुत सारे जन आज दर्शन के लिए आए, तो उसी के लिए फिर अपने को ज़्यादा लेट होगा। डोनेशन का है 100 रुपीज़ पर पर्सन, यहाँ पे लोग डोनेशन लेते हैं। देखो भाई साहब कितना लाइन बात है, जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर है। मेरा दोस्त है जो मेरे आगे से शुरू करके रहा, उसको 15 नंबर है। सो दिस इज ह्यूज लाइन गाइस। अभी हम लोग दर्शन करके निकल गए, दर्शन वॉज रियली नाइस, बहुत अच्छे से दर्शन मिला, हम लोग को अंदर जाना मिला, एंड वी आर सो हैप्पी। गणेश भगवान का जो मूर्ति देखते हैं तो अपना मन को एकदम शांति मिलती है, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव वाइब्स है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सालों के बाद मैं आया हूँ सिद्धिविनायक। और मुंबई में मैं जो पहले काम करता था तो बहुत आराम होता था, बट अभी बहुत हो गया। सो फ्रेंड्स हम लोग भी आ गए ट्रेन में, पहले तो मैंने बहुत ट्रेन से ट्रैवलिंग किया, लेकिन ए सी में बहुत गर्मी होता था, लेकिन आजकल ए सी भी चालू हो गया। एक साइड का देखो तो खाने से दादा तक 60 रुपीज़ है, बट बहुत ही रिलैक्सिंग है। तो आज कल गर्म अगर अंदर अराउंड 20-22 डिग्री का टेम्परेचर है, इट्स वेरी कूलिंग। सो मैं आपको दिखा देता हूँ ए सी ट्रेन में, ये है ए सी। द
दादर से भी निकलेगी, दादर से चालू हुआ है, 12:30 का बदलापुर जलद है, मतलब फास्ट ट्रेन है, थाना में रुकेगी और कूल डाउन एकदम अच्छा कूलिंग है।